एसीसीएल कुसमुंडा के भू विस्थापितों ने रोजगार की मांग पर कुसमुंडा खदान किया बंद, कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। रिहा करने की मांग को लेकर सीजीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। खदान में रही गहमागहमी की स्थिति। कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना दे रहे भू विस्थापितों ने खदान के अंदर उतरकर काम बंद करा दिया। प्रबंधन द्वारा एक माह के भीतर रोजगार की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया था, पर मांग पूरी नहीं होने पर भू विस्थापितों ने उग्र आंदोलन शुरू कर दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा के समर्थन से रोजगार एकता संघ द्वारा भू विस्थापित किसानों को रोजगार देने की मांग पर चल रहे धरना के एक माह बाद पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सैकड़ों ग्रामीणों और विस्थापित बेरोजगारों ने कुसमुंडा खदान में घुसकर रात 2 बजे से उत्पादन और परिवहन कार्य ठप कर दिया। आंदोलन स्थल पर ग्रामीणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने माकपा नेता प्रशांत झा सहित नेतृत्वकारी लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। महिलाओं सहित 50 से ज्यादा ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। हमार भस्मखार में जमीन गई से तेकर नौकरी में फार्म भरे हैं, आज ले घुमात है, फिर हमार घर ला रिपीट करके ढकेल दी डोजर से, तब हमला कुछ नहीं मिलिस ना, आज तक हमला बसाहट नहीं मिलिस, ना प्लाट के पैसा भी नहीं मिलिस हमला। अब 10 साल घूमत हन, अब ऑफिस में का आत हन, तो ऑफिस के साहब मन हंसी मजाक उड़ाते हैं हमार गरीबी में। और वो दिन हमला एस डी एम साहब संतावना दे रहे, पत्रिक संपत्ति मिली गई, आज लिखित मल्ले एस डी एम साहब, जैना साहब और सब साहब, यो हल लीलाधर राठौर है, अब आज हमार कुछ फैसला नहीं करीस, इकट्ठा घसीटा ढपेला झुटकारा था हमला चाहे थे इस गाड़ी में घसीटते हुए, इतना कर पुलिस प्रशासन लगे दे, ना हमारे सामने में एस डी एम आईस, ना का कहते हैं वो जैना साहब आई, सब मुँह ला फेर लेन पाछू कर लेन मुँह ला। आज हमार महिला मन साथ हम आदिवासी हमारे ऊपर शोषण करा थे, मन बड़े बड़े गरगाले नहीं करा थे, आथन तो हंसी मजाक से उड़ाते हैं ऑफिस में, हम हड़ताल करबो, वहाँ हम लोग फांसी दे सरकार है, तेला हम मंजूर करबो, फिर हमार हक ला लेबो, हमन आदिवासियन। पिछले 20 साल 25 साल से लोगों की जमीन गई है, आज उनको उनका हक का जो रोजगार है जो कानून में है उसको नहीं दिया जा रहा है, जिसकी मांगों को लेकर इसके पहले भी धरना प्रदर्शन और चक्का जाम और खदान भी बंद किया गया था, जिसमें त्रिपक्षीय वार्ता के रूप में एक वार्ता हुई और उसमें ये हुआ कि 1 महीने का समय दिया जाए, हम हर चीज़ को कंप्लीट करके आपको रोजगार का पात्र जो जो पात्र हैं उनको हम नौकरी देंगे। और आज के डेट में 1 महीना जब पूरा हुआ तो हमने जो अपना लिखित में हम उनको दिए थे कि अगर 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो हम उसको खदान बंद करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस बल ने ज़बरदस्ती हमारे लोगों को घसीटते हुए, जिसमें महिलाएं भी सब वीडियो आपके पास जारी हुआ है, इतना बर्बरता से घसीटते हुए, मतलब एक कानून व्यवस्था जो होता है, ये जो आज कानून व्यवस्था है ये अंग्रेजों के ज़माने में भी ऐसा नहीं रहा होगा मेरे को लगता है, मतलब संविधान हमारा भारतीय संविधान हमारे पास है लेकिन केवल कागज़ों में है, और भारतीय संविधान केवल और केवल गरीबों पर उसको चलाया जाता है कि ये आप कानूनन अपराध कर रहे हैं। जो कानूनन अपराध एसीसीएल ने किया है, जो उन्होंने भू स्थापित परिवार के साथ किसानों के साथ किया है, उसका किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन किसी भी प्रकार से किसानों के पक्ष में नहीं है, बर्बरता से महिलाओं को घसीटते हुए वो किस स्थिति में है, ऐसे उनको भर के ले गया है जैसे लाश को भी लोग सम्मान की दृष्टि से उसको उठाते हैं, लेकिन महिलाओं को, हमारे किसानों को, हमारे भाइयों को ऐसे बर्बरता से उठाया गया है जिसका हम ईंट का दबाव पत्थर से देंगे लेकिन लोकतंत्र के दायरे में रह कर देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।